बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो का यहाँ से आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम सखर रोड़ी टूल प्लाज़ा पे पहुँचे हैं। यहाँ से अब हम इंटर होंगे सखर के एरिया में इंशाल्लाह। ये ऊपर से मोटरवे गुज़र रही है, हम यहाँ से नीचे उतर आए हैं और अब रोड़ी पे एक रेस्ट एरिया है जहाँ से हम थोड़ा सा पेट्रोल रिफ़िल करवाएंगे और इंशाल्लाह आगे का सफ़र करेंगे। अगर रुकना पड़ा तो हम मोरो पे ताज रेस्टोरेंट आता है, ताज होटल, वहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे। सखर क्रॉस किया है और खैरपुर के एरिया से गुज़र रहे हैं हम, कि इधर खजूर के बाग हैं, काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान का ये एरिया सखर रोड़ी और खैरपुर का खजूर के लिए। किया है और खैरपुर के एरिया से गुजर रहे हैं, हम गुज़र रहे हैं रानीपुर। सामने हज़रत सच्चल सरमस्त साहब का मज़ार है, यहाँ पे उनका गेट ये है बना हुआ मेन रोड के ऊपर।
रानीपुर के बिल्कुल साथ ही है ये। हम ताज पे रुके हुए हैं मोरो पे, फ्रेश होने के लिए चाय पियेंगे, वॉशरूम वगैरह से फ्रेश होके इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकलेंगे आगे कराची के लिए। काफ़ी इधर रश, लोगों का रश काफ़ी है, काफ़ी बड़ा सेटअप है ये। दोस्तों कैसे हैं, इंशाल्लाह हमने मोरो अभी क्रॉस किया है, तो पिछली भी एक आध वीडियो में देखा होगा कि वीडियो बनाने में कुछ कैमरा जो है वो शेक कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है काफ़ी। सखर से लेके मोरो तक तकरीबन कोई 160-150 किलोमीटर का सफ़र है, वो तकरीबन हमारा 3 घंटे में हुआ है, 1 घंटा 1.5 घंटा ये समझ लें कि हमने लेट पहुँचे हैं। सड़क काफ़ी ख़राब है, डाइवर्जन्स काफ़ी हैं, इस वक्त भी ट्रैफिक बहुत स्लो चल रही है। मैं इस वक्त 40 की स्पीड पर चल रहा हूँ ये हाईवे पर। तो बहरहाल इंशाल्लाह देर से, लेकिन ये कि खैरियत से इंशाल्लाह घर पहुँचें अपने आपकी दुआओं के साथ। तो बहरहाल ये जो सड़कें सैलाब और ये जो बारिशें जो पाकिस्तान में जो पिछले हुई हैं जिनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई थी, तो इंशाल्लाह अभी आगे ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो बहरहाल सफ़र जारी है इंशाल्लाह, अब आपको जब पहुँचेंगे या रास्ते में हैदराबाद कितने बजे पहुँचते हैं, इस वक्त 5:20 हुए हैं और हमने मोरो क्रॉस किया है। देखें गन्ने की ट्रॉलियाँ शुगर मिल के बाहर लाइन से खड़ी हुई हैं, पीछे भी हमने देखा तकरीबन 2-3 किलोमीटर की लाइन थी, और ये यहाँ से भी आप लाइन देखें और आगे भी जो है वो ट्रालियाँ ये देखें फिर शुरू हो गई हैं, मीलों लंबी जो है ना ये ट्रॉलियों की लाइंस होती हैं। अब तो खैर सफ़र ज़्यादा मोटरवे पर होता है तो उधर नहीं होता, लेकिन पहले ये कोटकी में और 2-3 जगह ऐसी थी शुगर मिल्स जहाँ पे ट्रैफिक बहुत जैम हो जाता था ट्रॉलीज की वजह से, लेकिन शुक्र है कि अब ये एक लाइंस में एक रोड के साइड पे खड़ी हुई है। ये आप मुस्तकिल देखेंगे, इनमें से कई ट्रॉलीज जब लास्ट में होंगी वो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन भी खड़ी रहती हैं आके ट्रॉलीज, कि उनको अनलोडिंग यानी खाली होने में और सारा जो उनका प्रोसीजर होता है, पर्चियां बननी या जो भी बिल्डियां बनती हैं इनकी पेमेंट्स के जो रसीदें हैं वो करते हुए इनको 3-4 दिन लग जाते हैं एक ट्रॉली को खाली होने में। ये देखिए दोस्तों, देखें सनसेट का सीन, इस वक्त शाम के 5:30 हो गए हैं और हम काजी अहमद के इलाके में हैं, तो ये अब सनसेट का आप सीन देखें, बहुत खूबसूरत। ये इतना वज़न लोड किया हुआ होता है, पूरी रोड को कवर किया हुआ होता है, दोनों तरफ ट्रालियां होती हैं, इनको ओवरटेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी इस वक्त 7 बजने वाले हैं, हमें 2 घंटे हो गए हैं मोरो से निकले हुए तकरीबन, और अभी तक हमने सईदाबाद क्रॉस किया, हैदराबाद यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर अभी है। दोस्तों इस वक्त हम हैदराबाद पहुँच गए हैं, टाइम तकरीबन 8:05 है, तो मोरो से भी हमें काफ़ी टाइम लगा है यहाँ पे पहुँचने में, 3 घंटे तकरीबन लग गए हैं, लेकिन हम 5 बजे तकरीबन हम मोरो से निकले थे, तो अब 8 बजने वाले हैं, तकरीबन 3 घंटे हो गए। ट्रैफिक काफ़ी स्लो और लेकिन रोड्स जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई हैं, कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन भी हो रही है, काम भी हो रहा है, जिसकी वजह से डाइवर्जन्स हैं, तो काफ़ी जो है ट्रैफिक स्लो चलती है। तो
बस बहरहाल इंशाल्लाह अभी हम हैदराबाद पहुंच गए हैं 8 बजे और तकरीबन 1.5 घंटा हमें और लगेगा कराची पहुंचते हुए इंशाल्लाह। अभी तो बनाने का फ़ायदा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची शहर में दाखिल बल्कि शारे फैसल पे पहुंच गए हैं अपने घर के करीब। तो इस वक्त टाइम 10:45 हो रहे हैं, लेट तो काफ़ी हो गए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अल्लाह ताला के रहम और करम से हम जो है अपने शहर में अपने घर पहुंच गए हैं। तो बस अब यहाँ से 10 मिनट का हमारा और सफ़र है हमारे घर का और इंशाल्लाह घर जाके रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, थकावट भी काफ़ी हो गई है। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पिछले आपने देखा होगा 1 महीने से ज़्यादा आपको काफ़ी वीडियोस हमारी डेली के उसमें शादी थी इस्लामाबाद, लाहौर, हाफिज़ाबाद की हमने वीडियोस आपको शेयर की हैं, आपने पसंद भी किया उनको। और आगे भी इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब कराची में हम बनाएंगे जो भी वीडियो वो आपसे शेयर करेंगे और आप उसको भी इंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।